देखिए जा मैं एज अ कॉमेडियन की बात करना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ भी प्रोग्राम करने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं और सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि सब लोग खुश रहे, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि हंसता हुआ आदमी का एक ही धर्म होता है, वो होता है इंसानियत। तो जाति धर्म जो है वो आप ना करें, इससे क्या होता है कि दुनिया का बहुत बाद में नुकसान होता है, पहले आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हो। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा सब लोगों से कि जातिवाद ना करें, और आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिए, हो सकता है कि ये फिल्म आपको आपके लिए लाभदायक हो, आपको इंस्पायर करे। सर, कॉमिक तौर पे जातिवाद पे अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो क्या कमेंट करना चाहेंगे? कमेंट मतलब नहीं, एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए इंडस्ट्री में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कास्ट जो है वो एक ही चीज़ के लिए मानी जाती है, वो है स्टार कास्ट। तो मैं समझता हूँ, और दूरदर्शन पर एक ही कास्ट होती है, वो होती है टेलीकास्ट। तो बस इसी कास्ट को हम लोग मानते हैं, आप भी इसी कास्ट को मानिए और हर किसी का सम्मान कीजिए, प्यार कीजिए, क्योंकि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना ये हमारी आदत नहीं। सुनील जी, नौकरी चल रही है, क्या प्रोग्राम, क्या कुछ है? नवरात्रि में मेरे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मुझे माता रानी की कृपा से बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं शोज़ के, देश विदेश से आ रहे हैं ऑफ़र, और मैं सब जगह जा रहा हूँ, और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ दयालु माता रानी का, कि जिसकी वजह से, जिनकी आशीर्वाद से मुझे अपने काम में, उनकी कृपा से बड़ा काम भी मिल रहा है और मुझे आगे बढ़ने की राह भी मिल रही है। हाँ, अभी दो फिल्में तो मार्केट में काफ़ी हंगामा कर रही है हमारी बाल प्रोडक्शन की, एक मनी बैक गारंटी और एक भावनाओं को समझो। भावनाओं को समझो वो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है, आप जानते ही हैं। और तीसरी फिल्म के लिए मैं अभी लगा हूँ, कोई अच्छी फिल्म लेकर आऊँगा जिसमें सारे हमारे दर्शक, क्योंकि दर्शक मेरे लिए भगवान की तरह होते हैं, परिवार की तरह है, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए ऐसा कोई मनोरंजन लेकर आ जाऊँ जिसमें फैमिली के साथ बैठ के वो एंजॉय कर सकें। पोजीशन ग्रो का जो कि अंदर कर लेगा, ठीक है। दो मिनट आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। आइए सर, स्क्रीनिंग रखा गया, तो क्या कहानी, कहाँ से मिली आपको ये कहानी? सर, ये कहानी जो है ये यूपी बैकग्राउंड पे रखी है हमने, लेकिन हर गांव में ये कहानियाँ आजकल जो चल रही है कि सारे लोग जो कॉलेज की लाइफ से ही जो अलग अलग ग्रुप में बढ़ते जा रहे हैं, उससे प्रेरित होकर हमने इस कहानी को सुना। ये कहानी जो है आजकल हर गांव में जितने भी यूथ लोग हैं जो कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं, और उन लोगों में जो यूथ फ्रंट बनाई जा रही है हर पॉलिटिकल पार्टी, और किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, उसको उससे प्रेरित होकर हमने इसको, मतलब इस फिल्म को लिखा गया। सर, कहानी कहाँ से मिली और कब से? जितेंद्र यादव जी जो है ये, इन्होंने, इनकी कहानी है, और काफ़ी टाइम से हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे थे कि ये जो हमारे समाज में हो रहा है, हम लोग साथ में बैठ खेलते कूदते हैं, कॉलेज में रहते हैं, उसके बाद में जो है अलग अलग बड़े होते ही सब जो है अलग अलग डिवाइड होते जाते हैं, और ये डिवाइड एंड रूल जो चल रहा है, तो इसलिए इस टॉपिक पे कुछ करना चाहिए। कलाकारों के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ कौन कौन से कुछ कलाकारों के बारे में? इसमें सयाजी शिंदे हैं और मनोज जोशी जी हैं, उनको सभी लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छा रोल किया है। और सयाजी शिंदे जो हैं ये अपर क्लास को, अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। उनके साथ में अखिलेश वर्मा है, उन्होंने कुछ काफ़ी फिल्में की हैं, और कोरियोग्राफी और डांस में भी उनका अच्छा हाथ है, और अभी काफ़ी फिल्में और कर भी रहे हैं। तो जितेंद्र यादव, उन्होंने कुछ काम किया है स्टेज पे, कुछ काफ़ी काम किया हुआ है। लड़की अनन्या सरकार बंगाल में कुछ, उन्होंने कलकत्ता में कुछ फिल्में की हैं। ऋषिता भट्ट जी हैं, उन्होंने कार्यक्रम किया हुआ है, और लोकेश तिवारी हैं, उन्होंने काफ़ी फिल्में, मतलब उसमें कैरेक्टर रोल्स किए हैं, कि काफ़ी फिल्में, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने इंस्पेक्टर का। म्यूज़िक में देखिए, हम हमारे सारे गाने, इसमें एक सूफ़ी गाना है जो जसविंदर नरूला ने गाया है, काफ़ी अच्छा है, उनकी मतलब उनकी आवाज़ को सारी दुनिया जानती है, और सूफियाना, मतलब शायद आपको, लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये, बहुत मतलब काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एक आइटम गाना है, एक गाना जो हम लोगों ने ज़मीन से, मिट्टी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और रघुवीर यादव जी ने गाया है, वो भोजपुरी टाइप में हम लोग ने रखा है, भोजपुरी लैंग्वेज में। सर, कहानी
सर अभी ट्रेलर देख रहे थे हम लोग, तो एक जगह डायलॉग बोला जाता है कि समाजवाद चाहिए मुझे जी, और समाजवाद के नाम पे किस तरीके का खेल खेला जा रहा है ये भी आपको पता है। और कल ही जेपी जी का जन्मदिन था, उस पर 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का समाजवाद और किस प्रकार का संदेश? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो है हमारी सारी युवा पीढ़ी को साथ में बैठकर एक एक सर्व समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाना होगा। हम कोशिश करें कि ये किसी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो, समाजवाद मतलब कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो। जिस तरह से हमारी गंगा जमुनी संस्कृति थी कि एक ही चौपाल पर सभी लोग जो है बैठकर चाय पिया करते थे, चाय की चुस्की लिया करते थे, गाने गाया करते थे, वहीं पर जो है मिलजुल कर रहा करते थे, वो जो चीज़ थी आहिस्ते आहिस्ते खोती चली जा रही है। अब चाहे उसको मतलब किसी भी पार्टी का से कोई लेना देना नहीं है, अब हम चाह रहे हैं कि हर धर्म के इंसान, हर समाज का इंसान जो दूसरे समाज की इज्जत करे, चाहे वो कोई भी हो। उसको हाँ बात करें तो ये अभी बीच में यूपी में कांड हुआ दादरी का, आज का इंसान दूसरे समाज की इज्जत करेगा, उसको गले लगाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि आपस में बैर रखना, कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो कोई भी धर्म में ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के जो है आप उसका खून कीजिएगा और खून को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जातिवाद से सिर्फ खून ही होगा। और वो खून अगर हम लोग सारे लोग ये सोचें कि एक हिंदुस्तानी का खून हुआ, इंडियन का खून हुआ, इंडियन का घर जला, तो शायद हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस नाम ये जो पॉलिटिकल जो भी चीज़ें एजेंडाज है या धर्म के जो एजेंडाज हैं इसके पीछे इसकी वजह से कितना खून बहता है। ये फिल्म कब तक रिलीज़ हो रही है? और ये 16 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, और मैं चाहूँगा कि सब लोग उसको देखें और कोशिश करें कि ये मतलब मेरा मैसेज रहेगा कि सब लोग जो है आपस में अपने पड़ोसियों की या जिसके साथ में पढ़े लिखे हैं और उससे रिले इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान तरक्की, अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हम इसी में उलझे रह जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग जो है सोचने लग जाएंगे कि हम कौन हैं और हमारा इतिहास क्या है। क्या कहना चाहेंगे, आज ये म्यूजिक लॉन्च हुआ जातिवाद का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरी जातिवाद की यूनिट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सारे लोगों की पूरी मेहनत और लगन के साथ इतनी शानदार मूवी जिसको आप लोगों ने अभी देखा भी, और अच्छा लग रहा है कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और पहले प्रोजेक्ट में जिस तरीके की सफलता मिली मैं बहुत खुश हूँ उससे। बात करें सर ये जातिवाद का तो किस प्रकार का ये सब्जेक्ट है और क्या कहना चाहेंगे जातिवाद पे? जातिवाद आज देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है, हर व्यक्ति आज जातिवाद को लेके जात पात के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे आज जो समाज गर्त में जाता जा रहा है, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, एक दूसरे को समझना भूल गए हैं, तो ये जातिवाद फिल्म समाज को एक संदेश देता है कि हम सबको मिल के, जैसा कि पहले हम सब एक दूसरे से मिलजुल के, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे के यहाँ जाना आना खाना पीना था, आज वो धीरे 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 ख़त्म होता जा रहा है। तो इस फिल्म के माध्यम से एक मैसेज है समाज को, संदेश है समाज को कि अगर इसी तरीके से हम लोग जात पात के नाम पे भिड़ते रहे तो हमारा देश फिर से गुलामी की ओर चला जाएगा, और अगर हम लोग इंसानियत बनाए रखे तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। की बात करें तो जेपी जी थे लोहिया जी, उन्होंने ये शब्द का इजाद ना, और आसान सा शब्द है जो आम जनता के समझ में आसानी से आ जाता है। जी जी, मुलायम जी की बात करें तो जातिवाद समाजवाद और जातिवाद की वो ज़्यादा चर्चा करते हैं, और यूपी में आज दादरी कांड, समाजवाद उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक जनरल सा शब्द है, समाजवाद की बात करें तो हर मुलायम सिंह हो या बाकी कोई भी पार्टियां हो, आज समाजवाद तो सारे लोग चाहते हैं कि समाजवाद हो, कोई जाति धर्म की बात नहीं करता, तो समाजवाद जनरल शब्द है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं है। आरक्षण को लेकर क्या विचार है आपका और कितना आप उससे सहमत हैं?
कुछ लोग बोलते हैं रद्द किया जाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं अगर रद्द किया गया तो विवाद पैदा हो जाएगा। नहीं, आरक्षण तो देखिए हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। आरक्षण के लायक जो भी व्यक्ति हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो। आरक्षण हमारे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। जी, चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम सभी दर्शकों, ये फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है पूरे भारत में एक साथ, और हम अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ इस फिल्म को देखने जाएं, और इस फिल्म से जो उनको संदेश मिले समाज में उसको बांटें, ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके। चलते चलते आपका नाम और इस फिल्म में आपका क्या रोल है? मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता है और मैं प्रोड्यूसर हूँ इस फिल्म का। और रोल की बात करें तो एक छोटा सा सीएम का, मुख्यमंत्री का रोल एक दो शॉट है हमारा। हमारे डायरेक्टर साहब ने बड़ा प्रेशराइज किया कि नहीं सर, सुभाष घई की तरह आप भी एक बार चेहरा दिखाइए अपना, तो एक छोटा सा रोल हमारा है मुख्यमंत्री का। धन्यवाद।